सो वेलकम टू न्यू वीडियो, आई होप यू गाइस डूइंग वेल। एंड आज की वीडियो में क्या होने वाला है अभी आपको बताता हूँ। तो आज मैंने सोचा कुछ एकदम डिफरेंट करता हूँ, ठीक है। मतलब हम तो खाते रहते हैं मतलब घर के अंदर, बट मैं सोचा आज अपने चैनल पे एक डिफरेंट वीडियो अपलोड करता हूँ। हमेशा सेम होते रहते हैं फास्ट फूड आउटलेट्स, बट आज मैं आपको दिखाना है टाको बेल। एंड टाको बेल का वो मेन्यू मतलब जो ज़्यादा लोग ट्राई नहीं करते, बिकॉज टाको बेल के अंदर ज़्यादातर लोग जाके खाते हैं टाकोज या फिर कैसिडियाज, ठीक है। एंड ये जो मेन्यू है थोड़ा सा अनटच रहता है, ज़्यादा लोग ट्राई नहीं करते बिकॉज दे वांट टू ट्राई समथिंग न्यू एंड दे डोंट वांट टू डू एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ताकि खाने के साथ खराब ना हो मतलब इसलिए। बट मैंने आपके लिए वो सब चीज़ें मंगवाई हैं जो आप लोग शायद ट्राई नहीं करोगे, एंड आपको एक जेन्युइन रिव्यू दे दूँगा कि सब चीज़ें टेस्ट कैसी करती हैं टाको बेल की। बट उससे पहले टाको बेल के कुछ फैक्ट्स हैं, मेरा भाई बताएगा। भाई साहब फैक्ट्स बताओ पीछे से टाको बेल क्या है। टाको बेल है वो अपनी ऑडियंस इंडिया में मेन एम करता है कि 20 साल से ऊपर के लोग हैं। 20 साल से ऊपर के, तो मतलब 20 साल से नीचे कहाँ जाएंगे, मतलब खा सकते हैं उनके लिए क्या है मतलब टाको बेल पे खा सकते हैं, पर उनकी मेन ऑडियंस ये है कि उससे ऊपर के खाएं। तेरी एज क्या है? 15। तो टाको बेल को खाता है? अच्छा भैया, जितना टाको बेल इस बंदे ने खाया है ना, मैं गारंटी है तूने सबसे ज़्यादा खाया होगा शायद से, और कोई फैक्ट है तो बता। तो टाको बेल इंडिया में लॉन्च 2010 में हुआ था बैंगलोर में। अच्छा, हाँ वो पहले हुआ था, हमें पता, हम कब से वेट कर रहे थे, कुछ 3 महीने या कुछ 1 साल में बंद हो गया था। अच्छा बंद हो गया था। फिर उसके बाद 2015 में न्यू दिल्ली में ये वापस आए थे वसंत कुंज। हम वहाँ गए थे पहले अपना साइबरहब में, जब हमने फर्स्ट टाइम खाया था तो हम साइबरहब गए थे गुड़गांव में, एंड हम लोग पागल हो गए थे। दैट आउटलेट वॉज पैक्ड एंड उसका जो भी मतलब सीट थी, जो भी कवर्स सारे भरे हुए थे, एक सीट खाली नहीं थी। एंड बहुत चलता है टाको बेल, अगर आप कभी जाओगे जो इनके बड़े बड़े आउटलेट्स हैं बहुत ज़्यादा भरा होता है। और भी फैक्ट है हाँ, ये है कि टाको बेल का ये मोटिव है कि वो इंडिया को अपना सेकंड बिगेस्ट क्लाइंट बनाए। अमेरिका के बाद वो बन सकता है हाँ। क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा कोई मतलब कंपटीशन नहीं है। अगर आप अमेरिका जाओगे तो इसके बड़े सारे कंपटीटर्स हैं टाको बेल के, जैसे चिपोटले या फिर चिपोटल, जो भी मतलब आपको बोलना है, इनमें से कोई प्रोनाउंसिएशन होती है, बट चिपोटले इज वॉट मतलब मुझे लगता सही है। अच्छा तो अपने फैक्ट्स हो गए, एंड ये जो सामान मैंने मंगवाया आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। मैंने टाकोस नहीं मंगवाए, मतलब मेन स्ट्रीम चीज़ें नहीं मंगवाई है, मैंने एकदम अलग चीज़ें मंगवाई हैं जो आप ट्राई करो तो आपको अच्छा लगे एंड कुछ डिफरेंट भी हो, क्योंकि ये लोग ट्राई नहीं करते। मैं देखा इंडिया के अंदर लोग नई चीज़ें ट्राई करना नहीं चाहते हैं, एंड उस वजह से वो चीज़ उनको कहीं पता नहीं चलती क्या है, एंड अल्टीमेटली वो चीज़ बंद हो जाती है, वो आउटलेट बंद हो जाता है, या फिर वो चीज़ों को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखो, हमेशा नई चीज़ें ट्राई करो, ठीक है, एंड तभी आपको समझ आएगा उस चीज़ का टेस्ट क्या है। तो आज क्या क्या हमारे पास, मैंने इसमें मंगवाया गोर्डिटा, ठीक है, गोर्डिटा मंगवाया, चलूपा मंगवाया। चलूपा मतलब चलूपा कैसी गाली लगती है, और चलूपा क्या इससे मतलब आपको पता नहीं, उसी गाली की बात करो। चलूपा हुआ है, गोर्डिटा हुआ है एंड नेकेड चिकन टाको। टाको बेल को मतलब नंगी चीज़ों से बड़ा प्यार है, इनकी काफ़ी चीज़ों में नेकेड आता है, ठीक है। एंड चिकस्टार रैप, जैसे मैंडोस का रैप मिलता है वैसे इनका चिकस्टार है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, एक एक चीज़ खोल के टेस्ट करते हैं। आपको बताता हूँ चीज़ें कैसी टेस्ट करती है एंड आपको कौन सी चीज़ कैसी लग सकती है, मेरे हिसाब से बताऊँगा, ठीक है। ओके तो अपनी पहली चीज़ खोलते हैं, एंड ये है अपना चलूपा। अब तो सर चलूपा है, ये बेसिकली आपको दिखाता हूँ कैसा है, ये ऐसा टाइप का दिखता है, ठीक है। एंड इसके अंदर यू विल गेट टमेटोस, चिकन स्ट्रिप एंड हाँ, इसमें आज की वीडियो में सब कुछ नॉन वेजिटेरियन, सब फिर वेजिटेरियन। अभी के लिए आप चले जाओ, मतलब वीडियो से चले जाओ, आपको अच्छा नहीं लगेगा आप नॉन वेजिटेरियन चीज़ें देखोगे तो ये चलूपा है एंड कुछ इस तरीके का दिखता है। अब ये बेसिकली मुझे लगता है फ्राइड टॉर्टिया है, मोटी सी टॉर्टिया ब्रेड है, और इसके अंदर यू विल गेट सेम चीज़ें जो भी होती है अपने टाको के अंदर, नॉर्मल टाको में चिकन स्ट्रिप, लेटस एंड सम टमेटोस एंड रैंच, कूल रैंच। और अपना दूसरी चीज़ खोलते हैं, वही ये होता है गोर्डिटा, ठीक है। गोर्डिटा भी एक तरीके की मतलब टाको है, मतलब लगा लो कि मोटा सा टॉर्टिया है और टाको जैसा ही है, बट इसका टेस्ट थोड़ा सा, मैंने खाया हुआ पहले तो आपको बता रहा हूँ, इसका टेस्ट थोड़ा सा जो पीटा ब्रेड होती है, अगर मैंने पीटा ब्रेड खाई हो तो आपको पता होगा, थोड़ी बहुत पीटा ब्रेड जैसी होती है, हर जगह चीज़ें गिर रही हैं। एंड इसके अंदर बहुत सारी मतलब वेजिटेबल्स हैं, यूल गेट लेटस एंड मुँह में पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा, एंड यूल गेट मैक्सिकन चिकन, इसमें ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, नहीं इसमें ऑप्शन नहीं मिलते, इसमें नहीं मिलते ऑप्शन। इसके अंदर यूल गेट मैक्सिकन चिकन, यूल गेट अपना दिस सॉस, व्हाट द सॉस इज कॉल्ड, लावा सॉस, दिस इज नॉट लावा सॉस। तो ये इसके अंदर चिपोटले सॉस है, हाँ चिपोटले सॉस ही होगी, बिकॉज मेरे को हाँ क्रीमी आलपिनो नहीं होगी, चिपोटले सॉस होगी। सो विल टेक दिस एज चिपोटले सॉस, ठीक है, मतलब कोई भी सॉस है, मतलब स्पाइसी वाली सॉस है, ठीक है। तो ये चिपोटले सॉस है इसके अंदर ये वाली। आप मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट थर्ड चीज़ की तरफ, और ये भी टाको है, और ये है मतलब थोड़ा सा नंगा टाको, इसका नाम है एंड दिस इज नेकेड चिकन टाको। इसके अंदर पहले का आता था फायरी वाला, स्पाइसी वाला आता था, वो पूरा रेड होता था, तो ये अभी मिलता है, रेड वाला अभी मिलता नहीं है, तो ये कुछ ऐसा है। इसके अंदर क्या है आपको समझाता हूँ, ठीक है, आपने नहीं खाया तो। दिस इज बेसिकली अ टाको विदाउट अ टाको शेल और विदाउट अ टॉर्टिया, दे हैव जस्ट यूज चिकन एज अ शेल एंड दे हैव पुट एवरीथिंग इनसाइड दैट। तो इसके अंदर चिकन नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज द शेल इटसेल्फ इज मेड ऑफ चिकन, और ये ऐसा है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर वेजिटेबल्स एंड चीज़ एंड देन दैट सॉस चीज़ सॉस, इसके यहाँ चीज़ सॉस है। हमें इतना ज़्यादा पानी आ रहा है, ठीक है। ये है अपना नेकेड चिकन टाको, फुल चिकन, नो ब्रेड, नो टॉर्टिया, नथिंग। जो लास्ट चीज़ है वो आपको कट करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है क्या बेसिकली। तो ये है बेसिकली चिकस्टार ऐप, ओके। तो ये चिकस्टार ऐप है एंड हर चीज़ का प्राइस मैंने नीचे डाल दिया क्योंकि मेरे को इनका प्राइस सच बता रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है कि इसका प्राइस है क्या। तो अभी आपको मैं कट करके दिखाता हूँ है क्या ये चीज़ चिकस्टार ऐप। जिसको कट करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। मेरा भाई भी बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं करता, पता नहीं क्या है, मतलब यार लोग मैंने ट्राई किया सब कुछ, हाँ उसको पसंद नहीं आया। उसको पसंद है फिएस्टा जो मेन्यू है इनका, जिसमें सस्ते वाले टाकोस मिलते हैं वो वाले। तो ये है इनका रैप। इन दिस यू विल गेट लिक्विड चीज़, जो नाचो चीज़ होता है वो इसके अंदर होता है, ठीक है। एंड यू विल गेट नेकेड चिकन नाचोस इनसाइड दिस। वो आप वैसे भी खरीद सकते हो, ठीक है। क्या करूँ यार, मुँह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। एंड देन यू विल गेट फ्यू वेजिटेबल्स इनसाइड दिस एंड दैट सेम सॉस चिपोटले और क्रीमी आलापिनो और टमेटोस है एंड लेटस है। तो ये कुछ इस तरीके का रैप है एंड इसको इतना मैं दिखा नहीं सकता खोल के, वरना ख़राब हो जाएगा यार। तो इसके अंदर ये मतलब ये है इसके अंदर ये नाचोस, ठीक है, ये चिकन नाचोस है। तो ये है, अब स्टार्ट करते हैं खाना और पहले इसको खाता हूँ, ओके। तो लेट्स ट्राई दिस वन। ये रहा, आई टेक अनदर बट आई विल गिव यू गाइस अ क्लोजर लुक। सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग इज़ गुड, ओके। बट इसका टेस्ट कैसा बताता हूँ। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ है, मतलब लिक्विड चीज़ है, नॉट योर चीज़ का स्लाइस। तो टेस्ट मतलब वेरी कर सकता है कि किसी को अच्छा लगे किसी को नहीं लगे, क्योंकि चीज़ सॉस सबको अच्छी लगती नहीं है। और जो टॉर्टिया है इट्स लिटिल बिट ऑन थिकर साइड, और अंदर लेकिन चिकन भी खूब सारा है, अंदर सब कुछ है, मतलब आपको बिल्कुल भी वो नहीं लगेगा, डेंस नहीं लगेगा। तो इट्स क्वाइट गुड। तो अब अपनी सेकेंड चीज़ ट्राई करते हैं। एंड ये जो सा मैंने फर्स्ट खाया था वो चिकस्टार रैप है, ठीक है। तो वो आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा है नो डाउट, बट ओके ओके एवरेज है, बट यू वोंट फील कि बेकार से कुछ ले लिया, ठीक ठाक है। ये है अपना गॉडिटा एंड ये पीटा स्टाइल का है। लेट्स ट्राई दिस। तो मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा कि आप पहली बार ट्राई करो। तो जो चिकन अंदर एक चिकन टिक्का जैसा टेस्ट करता है, ठीक है, जैसे हमारा इंडियन स्टाइल का चिकन होता है वैसा टाइप का टेस्ट करता है। एंड जो ब्रेड है बाहर इज क्वाइट गुड, इट्स क्वाइट फ्रेश एंड अच्छा टेस्ट है, नो डाउट। यू कैन ट्राई दिस वन फॉर श्योर, गोइंग टू लाइक दिस थिंग। काफ़ी इंडियनाइज फ्लेवर्स हैं जो मुझे लगता है, और अच्छा टेस्ट है नो डाउट, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ये चलूपा है। चलूपा बेसिकली मैंने बताया था कि फ्राइड टॉर्टिया वैसे टाइप का है, ठीक है, या फिर गॉर्डिटा को मेरे को ऐसा लगता है फ्राई कर दिया है। और इसके अंदर आपको तीन तरह के ऑप्शन मिलेंगे, मैक्सिकन चिकन, क्रिस्पी चिकन एंड विच इज अनदर वन फहीता चिकन, ओके। तो ये तीन ऑप्शन है, बट माई रिकमेंडेशन इज इफ यू विल ट्राई दिस थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, गो विद क्रिस्पी चिकन। इसको टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कैसा है। इसका जो फ्राई टेक्सचर है मेरे को लगता है वहाँ खाओगे या फिर जैसी आए तब खा लो तो बेटर है। एंड ट्राई नॉट टू रीहीट दिस थिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉगी हो जाएगा बाहर वाला, बट वैसे टेस्ट इज़ वेरी गुड, रैंच इज टेस्टिंग वेरी गुड एंड टेस्ट बहुत अच्छा। जो क्रिस्पी चिकन उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेट्स ट्राई द लास्ट थिंग ऑन अ मेन्यू, जो है अपना ये नेकेड चिकन टाको, ठीक है। तो ये ऐसा है जिसने बताया था, चिकन है, नो शेल नथिंग। ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये देख लो ऐसा टाइप का है। अच्छा टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है, टेस्ट मैंने करा हो बट स्टिल नो। लेट्स ट्राई दिस थिंग नेकेड चिकन टाको। आई गॉट अ प्रॉब्लम विद दिस थिंग। इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है, द ऑयल इन विच दे आर फ्राइंग दिस थिंग वो थोड़ा सा ग्रीसी है एंड वो चिपक रहा है, मतलब पूरे मुंह पे, ऊपर नीचे हर जगह उसने मतलब यू नो चिपक दिया है पूरे मुंह के अंदर। एंड जैसे आपको पता होगा जो भी जगह हम खाते हैं कभी कभी जहाँ का ऑयल सही नहीं होता तो वो मुंह के अराउंड एक यू नो कोटिंग सी बना लेता है, ग्रीसी सी। तो वो इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। टेस्ट इज़ फाइन नो डाउट, मुझे लगता है कि शायद सिर्फ है ना फ्रेश हो तो बेटर करेगा, क्योंकि वैसे डीप फ्राइड चीज़ है तो हो सकता है एंड ये लोग थोड़ा सा फैट में फ्राई करते हैं तो इसलिए, बट टेस्ट इज़ गुड। बट वो इससे ना प्रॉब्लम है, इफ़ यू गॉट प्रॉब्लम विद ऑल दोज थिंग्स, ग्रीसीनेस, आप नहीं पसंद वो सब कुछ, तो इसको अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको एक चीज़ ट्राई करनी है सिर्फ, चलो दो चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है, आपको दो चीज़ें ट्राई करनी है अगर, तो माई रिकमेंडेशन इज़ गो फॉर दिस थिंग, क्योंकि ये एवरेज है, ये पसंद आ सकता है किसी को भी। एंड देन वो तो हम खाई गए गॉडिटा, ठीक है, गॉडिटा आप ट्राई करना, चलूपा आप स्किप करो एंड नेकेड चिकन टाको स्किप करो, और अभी फिलहाल के बाकी चीज़ें स्किप कर दो अगर आप वीडियो देख के जा रहे हो। तो ये टाको के साथ दो सॉसेस भी आती हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दो सॉसेस भी आती हैं। मैंने ट्राई नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को इनका टेस्ट जैसा है वैसा बताना था। तो ये इनकी फायरी होती है, फायर सॉस, ओके, फायर सॉस एंड दिस इज हॉट। हॉट वाली माइल्ड होती है एंड ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी होती है, ठीक है। आज यून होता है ना, लैट एंड जल्दी वन सेकेंड सेम बाय।